अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेम्पटिंग ट्रीज बाय कोमल। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का खट्टा मीठा सा शरबत, जिसके हैं बहुत ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स, कुछ मैंने शेयर किए हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट ऐड कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में इशू ना हो। सबसे पहले हमने आमों को लेकर उसकी गुठलियाँ निकाल कर छील कर काट लेना, और उसके बाद कटे हुए आम एक पैन में डालने हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1 और आधा कप, लेकिन ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है, आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस आपके आम जो है पानी के अंदर पूरी तरीके से डिप होने चाहिए, क्योंकि अब हम इसको बॉईल करेंगे तो हमारे आम पूरी तरीके से उसके अंदर अगर डिप होंगे तो वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। अब हमारा बॉईल आना स्टार्ट हो गया, तो हम इसका करेंगे लिड कवर और इसको उतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारे आम अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसका कवर हटाकर देख लेते हैं कि हमारे आम गल चुके हैं या नहीं, क्योंकि ये बारीक कटे हुए थे तो होपफुली गल जाने चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया, उसके बाद हम स्पून से चेक कर लेंगे कि हमारे आम गल चुके हैं या नहीं। ये बहुत बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं। आपको दिखाने के लिए हम एक स्पून से भी काट के दिखा देते हैं। सी कितने आराम से ये कट गया, इसका मतलब हमारे आम पूरी तरीके से कट चुके हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि हमारा जो पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राई आउट हो जाए। जब तक हमारा पानी ड्राई आउट हो रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब हमारा पानी हो चुका है खुश्क, अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। नॉर्मल जो घर वाला कप होता है उसको यूज़ करते हुए मैं इसमें 2.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं पर कम मत कीजिएगा, क्योंकि हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हमारी चीनी की रेशियो ज़्यादा ही होनी चाहिए। आप 2.5 के बजाय 3 यूज़ कर सकते हैं, पर इससे कम करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने 2.5 कप चीनी ऐड कर दी, 2 पूरे कप और 1 आधा कप। अब हम कर लेंगे चीनी को मिक्स अपने आमों के साथ, और उसके बाद हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ओवर कुक किया तो हमारी शुगर जो है वो कैरमलाइज हो जाएगी और हमारा सिरप ब्राउन हो जाएगा। बस शुगर के मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है, और इसमें हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी शुगर नीचे जल ना जाए। जी व्यूअर्स, अब हमारी शुगर हो चुकी है मेल्ट, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। ये दोनों चीज़ें इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस कर देंगी। इसके बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। पूरे मिक्सचर में इंतहाई मज़ेदार सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी आपको, और उसके बाद आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स भी ना पड़े और आपका पूरा का पूरा जो सॉल्ट है वो पूरे मिक्सचर में ऐड हो जाए। आपको अब दिखा देते हैं स्पून की हेल्प से कि हमारे जो रॉ मैंगोज थे, कच्चे आम थे, वो कितने बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं और उनका कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। अब हमने करना यह है कि फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे ऑफ और इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। ठंडा हमने इसलिए करना है क्योंकि इसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है। अब हमने इसको डाल लिया है ब्लेंडर के जग के अंदर और इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। ये देखिए, हमने इसको ओवर कुक नहीं किया था इसलिए हमारा सिरप बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुआ। बहुत ही खूबसूरत से येलो कलर का हमारा सिरप रेडी हो गया है। अब हम इसको 1 महीने तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसको एयरटाइट कंटेनर में रखें, आपका कंटेनर साफ़ होना चाहिए। मेरे पास ये कोई बॉटल अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसको एक एयरटाइट जार में रख रही हूँ। इसको 1 मंथ तक हम स्टोर कर सकते हैं, ये इसकी बेस्ट बात है। आपने सिर्फ़ 1 दफ़ा मेहनत करनी है और उसके बाद आपने हमेशा सिर्फ इसको एंजॉय करना है। स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए जिनके पास टाइम कम होता है तो वो ये बनाकर रख सकती हैं, और इसको बनाना इंतहाई आसान काम है। अब जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर जग में बचा था उसको मैं डाल रही हूँ ग्लास में। आपने 1/4 से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत ही हमने इसमें शुगर भी ज़्यादा डाली थी, मैंगो का भी सीरप है, फ्लेवरफुल सा सीरप है, इसलिए आप 1/4 भी डालेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अब जो लेफ़्ट ओवर है उसको हम 1/3 ग्लास में डाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी इसको बनाने के 3 वेज। नंबर 1, आपने इसमें डालनी है 1 पिंच के करीब ब्लैक पेपर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगी। और ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने जो है भून कर पीस लिया है, जिससे इसकी खुशबू मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये दोनों चीज़ों इसके फ्लेवर को आप कहें 4 चांद लगा देंगी। अब आप इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, पर क्योंकि मुझे इस विस्कर से मिक्स करने में मज़ा आता है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको झटक लेंगे और इसको कर लेंगे सेपरेट, क्योंकि हमने अपना सिरप ज़ाया नहीं करना, इसलिए उसके साथ लगा भी नहीं रहने देना। अब हमने कर लेना है इसके अंदर ऐड पानी, ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ मैं। आप इसके अंदर आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, और बस इसको करना है अच्छे से मिक्स, और हमारा शरबत बहुत ही मज़ेदार सा शरबत रेडी हो जाएगा।
अब बाकी दो ग्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको ज़ीरे और मिर्चों के अलावा कैसे बाकी के दो तरीक़ों से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको आप कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। तो अब हम वापस आ गए हैं अपने बाकी के दो ग्लासों पे। एक के अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला और एक में मैं सिर्फ डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। अगर आपके पास भुना हुआ ज़ीरा नहीं है या पिसा हुआ ज़ीरा नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, और अगर ब्लैक पेपर भी नहीं है तो आप खाली सिरप के अंदर पानी डालें, आइस क्यूब्स डालें और इन्जॉय करें, वो भी बहुत मज़ेदार होगा। लेकिन जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है। आपको जो है वो अगर आप ज़ीरा और काले मिर्च डालेंगे तो फ्लेवर आप कहें उसका 10 times इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डू ट्राई ऑल ऑफ देम और फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कि आपको कैसा लगा। ये देखिए हमारे सिरप की कंसिस्टेंसी इतनी है कि ये इसके अंदर पूरा मेल्ट नहीं हो रहा है। जब हम इसको चम्मच से शेक करेंगे तभी ये इसके अंदर मिक्स होगा। ये देखिए इंतहाई खूबसूरत सा ड्रिंक रेडी है। इसको देख के इतना मज़ा आएगा आपका कि आपका फ़ौरन से जाके इसको बनाने का दिल करेगा और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। और मज़े की बात यह कि ये स्टोर हो जाता है तो आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। एक बार बनाएं और इसको स्टोर करके रख लें और आप डेली इन्जॉय करें, क्योंकि ये बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें विटामिन सी एनरिच्ड होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको गर्मी नहीं लगने देता। तो गाइज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू गाइज़ विद अ न्यू वीडियो सून। अल्लाह हाफिज़।